हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम कैसा है कनाडा के अंदर, और हम बात करेंगे कि एग्जाम्स कैसे होते हैं कनाडा में, पास होना इजी है मुश्किल है, जॉब के साथ कैसे हम करेंगे। बड़े सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जब मैं भी इंडिया में था ना, तो बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि हम पास हो जाएंगे इजीली या नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज इंडिया से ना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो इंडिया में अलग मेंटेलिटी होती है हमारे पास होने की कि हमें सिर्फ 33% नंबर ही लेने हैं, भाई वो तो आ ही जाएंगे हमारे। अभी यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से, तो बिल्कुल वो मत सोच के आना कि आप इंडिया की तरह आपको इतने परसेंट लेने हैं और पास हो जाओगे, ठीक है। पर हाँ, पास होना बहुत ईजी है, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा, आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ने में कैसे हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि हम पासिंग मार्क्स कितने लेने होते हैं हमें पास होने के लिए। पासिंग मार्क्स कनाडा के अंदर 50-60% लेने होते हैं, और पासिंग मार्क्स आपके कॉलेज के ऊपर और आपके प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हर कोर्स वेरी करता है आपके, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और 6 के 6 सब्जेक्ट्स में ना मुझे डिफरेंट डिफरेंट पासिंग मार्क्स हैं मेरे, किसी में 50 हैं, किसी में 60 हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर सेट करता है। हाँ, मिनिमम 50 तो होते ही हैं ज़्यादातर। अब हम ये 50% या 60% लेनी कैसे हैं, हम पहले इस पे बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ने डिवाइड कर रखा है इन्होंने, आपको हर सब्जेक्ट में ना क्या क्या आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। पहली चीज़ है असाइनमेंट्स, जो आपने सुना ही होगा कि असाइनमेंट्स बहुत मिलती हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ है क्लास टेस्ट होते हैं, उसके बाद तीसरा है मिड टर्म्स, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, ठीक है, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होगी पूरी क्लास के सामने, और उसके बाद फाइनल्स, और इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे वेटेज है। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं पहले, उसमें जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी असाइनमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगी 20% ऑफ द फाइनल। उसके बाद आगे आपकी क्लास टेस्ट या क्लास क्विज, उसके आप मान लो कि 20-25%, उसके मान लो 20% आप लेस से मान लेते हैं, और उसके बाद आगे मिड टर्म्स, उसके मान लो 30%, और एक सब मिला के कितने हो गए 70%, और आपके पीछे बच गए 30%, तो उतने हो गए आपके फाइनल्स। अब आपने क्या करना है ना, आपने अच्छे से पढ़ना है। पहली बात तो आपने असाइनमेंट सारी अच्छे से देनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको असाइनमेंट में। लेट्स से हम मान लेते हैं कि आप 20% में से आपके सब असाइनमेंट मिला के आपके 15% तो आपके असाइनमेंट्स में से निकल आए। उसके बाद आपके आगे जी क्लास टेस्ट में मान लेते हैं 15 उसमें से आगे। उसके बाद आगे आपके मिड टर्म 30 में से आपने 20 भी स्कोर किए, तो सब मिला के हो गए ये 20, 15 और 15, 50। अब आपको फाइनल में कितने लेने हैं, 60% ये पास होने के, आपको सिर्फ 10% लेने हैं। तो इतना इजी हो जाता है अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो इतना इजी हो जाता है पास होना। पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो, ठीक है। और असाइनमेंट्स में यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे इंडिया में हम असाइनमेंट्स देते थे ना, तो थोड़ी बहुत नेट से लिख दी, ठीक है, इधर से चेपा उधर से चेपा, चलो ये असाइनमेंट्स टीचर को पकड़ा दी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर असाइनमेंट्स आपको खुद करनी है, खुद लिखनी है, ठीक है। अगर आपने खुद नहीं लिखी, आपने नेट से उतार दिया, किसी दोस्त की कॉपी पेस्ट कर दी, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है प्लेजरिज्म बोलते हैं, तो आपके अगर वो प्लेजरिज्म के अंदर आ गई, ठीक है, आप टीचर को पता लग गया कि आपने यहाँ यहाँ से किया है, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 0। अगर आपने बार बार ऐसी चीज़ें करी तो हो सकता है टीचर आपको फेल भी कर दे उस कोर्स में। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, हर असाइनमेंट आपने खुद करनी है, कहीं से नेट से नहीं लिखनी, कहीं दोस्त से नहीं लिखनी, कोई सीनियर की कॉपी पेस्ट नहीं करनी, तो एक ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। और बात करें मिड टर्म से पहले ना आपको एक ब्रेक दी जाती है जिसे हम बोलते हैं रीडिंग ब्रेक, और रीडिंग ब्रेक में आपको प्रिपरेशन करनी होती है अपने फाइनल्स की या मिड टर्म की, ठीक है। तो कहाँ ही पढ़ते हैं उसमें, सभी बोलते हैं कि चलो कॉलेज से थोड़ा रिलैक्सेशन मिला यार, चलो चिल मारो, या फिर ज़्यादातर बच्चे काम कर लेते हैं क्योंकि उसमें फुल टर्म शायद अलाउड भी होता है काम करना। तो यही सारी चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप फेल हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि अब कोई बच्चा फेल ना हो, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, नहीं भी देख रहे भाई, कोई फेल ना हो, ठीक है। पर अगर आप बाय चांस हो जाओ, 1% मान लेते कोई फेल हो गया, तो क्या होगा, फेल होना यहाँ पे सबसे महंगा पड़ता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए तो उसकी यहाँ पे फीस कम से कम भी $2,000 से $3,000 होगी रीअपीयर की। इंडिया में तो क्या है ना, 1,000-1,500 में सर जाता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डॉलर्स में काम होता है भाई। 2,000 से 3,000 आप इंडिया के पैसे मान लो कितने हो गए, अब वो रीअपीयर आपको 2,00,000 में पड़ सकता है, ठीक है। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज से बिलो हो, तो कॉलेज और कोर्स उस हिसाब का लेके आओ, इजी लेके आओ, ताकि आप इजीली पास हो जाओ। ये ना हो कि आप इंडिया में जैसे बहुत बच्चे नहीं इंटेलिजेंट एवरेज होते हैं, तो सीधा इतना बढ़िया कॉलेज ले आए, अब इतना हार्ड कोर्स उठा लिया, फिर यहाँ पे आके मुश्किल लगा, फिर चेंज करना,
वो भी सारा एक्सपेंसिव चक्कर है, उसका भी पैसे लग जाते हैं बहुत उसमें भी। तो पहले से आप ये सारी प्रिपेयर करके आओ। मैं बहुत इजी कॉलेज लेके आया था, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि मेरा अल्फा कॉलेज था, ठीक है, 2-3 दिन क्लासेस लगती हैं, बहुत ही चिल कॉलेज है। तो जैसे आप हो, ठीक है, ये ना करो कि अगर आप मेहनत कर लोगे तो ठीक है, पर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो आप, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप उस हिसाब से कॉलेज लेके आओ, ठीक है। बहुत सारे इजी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, उनमें से मेरा भी है, सेंट क्लेयर भी है यहाँ पे। तो ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इजीली, जहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगा पास होना, वहाँ पे थोड़े टीचर कोऑपरेटिव होते हैं, आपको इजी पास, आप इजीली पास हो जाओगे उनमें। और अगर आप फेल हो गए, जैसे मैंने बताया कि वो बहुत महंगा पड़ता है, और लेट्स से कि अगर आपका कोर्स है, अब आपका जो सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर इनटेक में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने ना साल में 3 इनटेक होते हैं, जैन, मई और सितंबर। फॉर एग्जांपल, आप आए जी सितंबर में और आपका जो सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, वो सब्जेक्ट सिर्फ सितंबर में ही पढ़ाया जाता है, सितंबर टू दिसंबर वाला जो बैच है उसी में पढ़ाया जाता है, विंटर में और मई में नहीं पढ़ाया जाता। तो अब रीअपीयर आपको होने के लिए आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ बहुत महंगी पड़ जाती है, और उस चीज़ में ना ही आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, और वो सारे एक्सपेंसिव मैनेज करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो कोशिश करो पहले से आप सही कॉलेज लेके आओ और सही कोर्स लेके आओ, ये ना हो कि यहाँ पे आके आपको दिक्कत हो जाए। बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और कोशिश करता हूँ, और यही थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।